रूस और यूक्रेन के युद्ध को शुरू हुए लगभग 1.5 साल होने को है। नतीजा तो अभी तक कुछ नहीं निकला, लेकिन शुरू से अब तक युद्ध के अंदाज में काफी बदलाव आ गया है। शुरुआती दौर में जहां रूस का पलड़ा भारी रहता था, अब यूक्रेन भी बराबर की टक्कर देता नजर आता है। लड़ाई में तेजी नजर आ रही है। रूस की बात करें तो उसने हाल ही में राजधानी कीव पर मंगलवार सुबह ही हवाई हमला बोला था। इससे पहले रविवार को यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा पर मिसाइल से जोरदार हमला बोला था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 22 लोग घायल हो गए थे। एक महीने के अंदर राजधानी कीव पर रूसी सैनिकों ने 6 बार बड़ी स्ट्राइक की, ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। ये सब हुआ, लेकिन साथ में ये भी हुआ कि इन सब का यूक्रेन ने जमकर मुकाबला किया और उन्हें नाकाम कर रहा है। युद्ध के इस माहौल में इस बीच जो खबरें आ रही हैं, वो यूक्रेन के लिए जश्न जैसा है। यूक्रेन के जिन क्षेत्रों को कभी रूस ने कब्जा कर लिया था, उनमें से ज्यादातर पर यूक्रेन फिर से काबिज हो रहा है। इस बात की तस्दीक अमेरिका की तरफ से भी की गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में कीव मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन ने उस आधे क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया है जिसे रूस ने शुरू में अपने आक्रमण में जब्त कर लिया था। इसी कड़ी में रूसी सैन्य ब्लॉगर्स की तरफ से ये खबर भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है यूक्रेनी बलों ने उस गांव के हिस्से पर कब्जा कर लिया है जो हाल के दिनों में यूक्रेन के हमलों का केंद्र था। यदि क्षेत्र में रूसी सुरक्षा ध्वस्त हो जाती है तो इससे यूक्रेनी सेना के लिए दक्षिण की ओर तट की ओर बढ़ने का रास्ता खुल जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस गांव पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अपने सैनिकों को बधाई दी। जेलेंस्की ने गुरुवार को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें यूक्रेनी सैनिकों के एक समूह ने कहा कि उन्होंने ज़ापोरिजिया प्रांत के बगल में दोनेत्स्क क्षेत्र में एक गांव पर नियंत्रण कर लिया है। उधर रूस की तरफ से भी यूक्रेन को कमजोर करने की कोशिशें लगातार जारी है। दक्षिण पूर्व में कब्जे को लेकर यूक्रेन की कोशिशों को वो पूरी ताकत से रोक रहा है। हाल ही में यूक्रेनी सेना ने जो हमले किए, फिलहाल उसको रूसी सेना ने विफल कर दिया, और इसी को लेकर पुतिन ने दक्षिण पूर्वी ज़ापोरिजिया क्षेत्र में हमलों को विफल करने में रूसी सैनिकों की वीरता की प्रशंसा भी की है। यहाँ आपको बता दें कि अजोव सागर के पास मेलिटोपोल पर कब्जा यूक्रेन के लिए बड़ी सफलता होगी, जिस पर 2014 में मॉस्को ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। सामरिक रूप से देखें तो इससे रूसी सेना 2 भागों में विभाजित हो सकती है और इसकी आपूर्ति लाइनें कट सकती हैं, जो रूस के लिए एक बड़ा झटका होगा। युद्ध में यूक्रेन की भूमिका अब कहीं से कमतर नहीं आंकी जा सकती। रूस ने पिछले हफ्तों में यूक्रेनी शहरों पर बमबारी बढ़ा दी, खासकर काला सागर पर ओडेसा के प्रमुख बंदरगाह को निशाना बनाकर। लेकिन इन सभी कोशिशों में यूक्रेनी वायुसेना ने रूसी मिसाइलों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। कुछ परिस्थितियां भी यूक्रेन के पक्ष में बनती दिख रही हैं। हाल ही में रूस के वैगनर निजी सैन्य कंपनी के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने एक अल्पकालिक विद्रोह किया था, जिसने पुतिन के लिए उनके 23 साल के शासन में सबसे गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। भले ही दोनों के बीच समझौता हो गया, लेकिन इसका एक फायदा ये हुआ कि ये भाड़े के सैनिक यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से हट गए हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर यूक्रेन को मिल रहा है। युद्ध का अंत किस तरह से होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस सूझबूझ और रणनीति के साथ यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, उसके पुख्ता कदमों का अंदाजा इस बयान से लगाया जा सकता है। जब अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने हाल ही में कहा था, यूक्रेन अपनी युद्ध शक्ति को बरकरार रख रहा है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी तक कार्रवाई में नहीं आया है, क्योंकि यूक्रेनी सेना धीरे धीरे और जानबूझकर अपने तरीके से काम कर रही है।